वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ टीनेजर मेकअप लुक जो है कॉलेज गोइंग गर्ल्स एंड स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि टीनेजर्स जो है एकदम हेवी मेकअप नहीं करते हैं, उन्हें लाइट मेकअप अच्छा लगता है। एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स एंड ऑफिस गोइंग गर्ल्स या फिर स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए जो है लाइट मेकअप ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा हेवी मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता टीनेजर्स को। सो इफ़ अगर आप टीनेजर्स हो तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एंड अगर आप टीनेजर्स ना भी हो बट आपको अगर हेवी मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो चलिए टीनेजर्स मेकअप लुक स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, सो वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एंड ऐसे ही आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड यह जो टीनेजर मेकअप लुक है, ओनली मैं 5 प्रोडक्ट यूज़ करके ही यह मेकअप लुक क्रिएट करूँगी, क्योंकि जब मैं भी टीनेजर थी एंड आप लोग भी अगर टीनेजर हो तो टीनेजर्स के पास में ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट नहीं होते हैं। मेरे पास भी उस टाइम कुछ प्रोडक्ट नहीं थे मेकअप क्रिएट करने के लिए, मैं कुछ अफोर्डेबल मेकअप से ही अपना मेकअप लुक क्रिएट किया करती थी। सो आज मैं एक अफोर्डेबल प्राइस वाले प्रोडक्ट से ही आप लोगों के लिए एक मेकअप लुक क्रिएट करूँगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए, मेरा मेकअप लुक अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड एकदम अफोर्डेबल प्राइस के मेकअप प्रोडक्ट मैं इसमें यूज़ करूँगी। एंड अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना हो तो मैं प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। सो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यह मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5 प्रोडक्ट। आप देख सकते हो ओनली 5 प्रोडक्ट है। एक है मेरी जॉय की मॉइस्चराइज़र क्रीम, सेकेंड है यहाँ पे लैक्मे की 9 to 5 CC क्रीम, देन थर्ड है स्टेक्यूरी का लाइनर, एंड फोर्थ है स्टेक्यूरी फेस पाउडर, एंड फिफ्थ है लिपस्टिक। लिपस्टिक आप चाहे तो जो भी लाइट शेड ले सकते हैं, मेरे पास अभी लाइट शेड अवेलेबल नहीं है सो मैंने यहाँ डार्क शेड ही लिया है। सो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, ओनली 5 प्रोडक्ट से मेकअप क्रिएट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट स्टेप में मैं यूज़ करूँगी मॉइस्चराइज़र। यहाँ मैंने जॉय का स्किन फ्रूट मॉइस्चराइजिंग स्किन क्रीम ली है, जो कि बहुत ही अच्छी है। मैं इसे बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना जो भी आप यूज़ करते हो वो मॉइस्चराइज़र ले सकते हो। ये मॉइस्चराइज़ में जोजोबा आलमंड ऑयल एंड एप्पल फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, जो कि हमारी स्किन को बहुत ही हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाता है एंड यंगर बनाता है। सो यह मॉइस्चराइज़र मुझे बहुत पसंद है। बट आप जो भी चाहे वो मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ कीजिए मेकअप करने से पहले। सबसे पहले आप मॉइस्चराइज़ ज़रूर यूज़ कीजिए। एंड आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप में मैं यूज़ करूँगी लैक्मे CC क्रीम। एंड लैक्मे 9 to 5 CC क्रीम तो आप जानते ही होंगे, बहुत अच्छी क्रीम है ये। इसमें 5 शेड अवेलेबल है। आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग आप इसमें शेड चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा शेड है लगता है। सारे प्रोडक्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो यह जो आलमंड ऑयल क्रीम है, लैक्मे 9 to 5 CC क्रीम है, ये बहुत ही अच्छी क्रीम है। ये इंस्टेंटली प्रोटेक्ट करती है, मॉइस्चराइज देती है, ब्राइटनेस करती है स्किन को एंड इवन स्किन टोन का भी काम करती है। साथ ही यह कंसील्स एंड फ्रेशनेस भी करती है स्किन को। सो गाइज, यह जो मैंने यहाँ पे जो CC क्रीम अप्लाई की थी उसे मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड हाँ, आप हमेशा मेकअप करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जो मेकअप आप जो क्रीम यूज़ कर रहे हो उसमें आप उसे अच्छे से ब्लेंड कीजिए। ये CC क्रीम जो है एज अ फाउंडेशन का भी काम करती है। बहुत जल्दी ही इसमें फेस पर ब्राइटनेस दिखती है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी ब्राइटनेस आ गई है फेस पर। एंड मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लेती हूँ, मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड करती हूँ ताकि हमारा फेस जो है पैची ना लगे, एकदम नेचुरल फेस लगे। अगर हम ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करते तो नेचुरल नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा मेकअप या रफ लगता है हमारा फेस। इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग में टाइम देती हूँ ताकि जो है फेस बहुत अच्छा ग्लोइंग लगे एंड नेचुरल लगे। सो आप देख सकते हो कि सेकेंड स्टेप में मेरा यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है एंड मेरा फेस जो है एकदम नेचुरल ब्राइटनेस लग रहा है, नेचुरल ब्राइटनेस दिख रही है फेस पर। सो अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। एंड थर्ड स्टेप में मैंने यहाँ लिया है कॉम्पैक्ट फेस पाउडर।
सो एक स्टेक्यूरी का फेस पाउडर लिया है, एक कॉम्पैक्ट लिया है जो कि बहुत अच्छा है। एंड ये कॉम्पैक्ट मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि यह एक अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। एंड यहाँ मैं अफोर्डेबल प्राइस में वाले ही प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। एंड कॉम्पैक्ट जो है आप जब भी यूज़ करें तो ब्रश से यूज़ करें, ब्रश से यूज़ करने में बहुत अच्छे से ये अप्लाई होता है। एंड बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा ही लगता है जितने कि हमारे फेस को ज़रूरत है। सो टैप टैप करके मैंने यहाँ पे पाउडर लगाया है, फेस पाउडर लगाया है। आप चाहे तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो फेस पाउडर यूज़ करें। देन मैंने यहाँ पे फोर्थ प्रोडक्ट लिया है लिपस्टिक। एंड लिपस्टिक को मैं एज अ आई शेडो एंड ब्लशेस के इससे आई मीन आई शेडो एंड ब्लशेस के जैसे यूज़ करूँगी। सो मैंने यहाँ आई शेडो के इससे लगा लिया है। एंड अब एक आई शेडो ब्रश लिया है जिससे कि मैं बहुत अच्छे से उसे ब्लेंड कर लूँगी ताकि वह एकदम अच्छे से अप्लाई हो जाए एंड एज अ ब्लशेस ब्लश के जैसे लगे वो, ना कि लिपस्टिक लगे। सो उसे मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि एकदम नेचुरल सा लगे वो, बहुत ज़्यादा वैसा पैची पैची ना लगे। सो यहाँ मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड इसे भी ब्लेंड करने के लिए हमें थोड़ा टाइम देना है इसे। सो इस तरह से आप यहाँ ब्लेंड कर सकते हो। आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। लोअर साइड थोड़ा डार्क रखना है एंड अपर साइड थोड़ा लाइट करना है। सो मेरा यह भी हो चुका है। इसके बाद मैं ब्लशेस जो मैंने लिपस्टिक लगाई थी एज अ ब्लशेस, तो उसे भी मैं ब्रश से अच्छे से ब्लश कर दूंगी। बहुत अच्छे से करना पड़ेगा उसे ताकि एकदम भी वो ऐसा ना लगे। सो आप देख रहे हो एकदम लाइट कलर आते तक कि मैंने यहाँ ब्लश किया है। सो थोड़ा लाइट कलर आ चुका है एंड मेरा ब्लश वाला कंप्लीट हो चुका है। कैमरे में दिख नहीं रहा है लेकिन ऐसा जो ब्लश है बहुत अच्छा आया है, एकदम पिंकिस पिंकिस लग रहे हैं मेरे चीक्स। सो इस तरह से मैंने ये अपना फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट कर लिया है। एंड लास्ट जो है आईलाइनर का फिफ्थ स्टेप मेरा, तो मैंने यहाँ पे स्टेक्यूरी का पेन आईलाइनर लिया है। यह आईलाइनर बहुत ही इजीली अप्लाई हो जाता है। अगर आपको आईलाइनर नहीं लगाते आता तो भी आप इसे इजीली अप्लाई कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, बस एज अ पेन लेना है इसे एंड बस लगा लेना है। बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है। यह स्टेक्यूरी का आईलाइनर लिया है मैंने एंड लॉन्ग लास्टिंग आईलाइनर है यह, बहुत अच्छा आईलाइनर है। बट नहीं, बहुत अच्छा है यह। मुझे लग रहा था कि इस साइड का बिगड़ गया है इसलिए मैंने यहाँ बट बोला था, बट बहुत अच्छे से अप्लाई हो गया। मैं हमेशा इसे मिरर में देखकर ही अप्लाई करती हूँ। फर्स्ट टाइम मैं कैमरे के सामने अप्लाई कर रही हूँ इसलिए थोड़ा सा लग रहा है मुझे, लेकिन लाइनर बहुत अच्छे से लग गया है। एंड ये मेरा लास्ट स्टेप है लिपस्टिक वाला। आप देख सकते हो यहाँ मैंने पिंक वाला लिपस्टिक लगा लिया है। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी लाइट शेड भी लगा सकते हैं। लाइट शेड मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है सो मैंने पिंक लगाया है। एंड लास्ट में मैंने एक और स्टेप लिया है यहाँ पर काजल का। काजल का स्टेप जो है आपके चॉइस के अकॉर्डिंग है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम काजल यूज़ नहीं करती हूँ, मैं कभी कभी ही काजल यूज़ करती हूँ इसलिए मैंने इसे अपने इसमें नहीं रखा था। सो यहाँ पर भी मैं एकदम लाइट सा काजल अप्लाई किया है मैंने एंड फाइनली मेरा यह लुक क्रिएट हो चुका है। सो आप बताइए कि कैसा लग रहा है मेरा यह सिंपल सा मेकअप लुक। एंड अब अगर आपको मेरा मेकअप लुक पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह मेकअप लुक कैसा लगा। सो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।